हाय दोस्तों, एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में कल्चरल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो दोस्तों, जैसे ही आप देख रहे हैं कि कल्चरल कंसेप्ट का हेडिंग पड़ा हुआ है, सो दोस्तों सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि इसके कंसेप्ट क्या है। सो दोस्तों आपको बता दें कि जो कल्चर है वेरी ब्रॉड टर्म है, जो आपका संस्कृत है बहुत व्यापक टर्म है, बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें अपने आप में पूरे अपने आप में हमारे जीवन या आपके जीवन के सभी क्षेत्रों मीन्स आपका जो कल्चर है, कल्चर एक बहुत वेरी ब्रॉड टर्म है, यानी बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें अपने आप या हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों, जिसमें हमारे व्यवहार, हमारी रीति रिवाज, हमारा ट्रेडिशनल, हमारा मोरल यानी हमारा रीति रिवाज, हमारा कस्टम, हमारा क्लास और साथ साथ में जो हमारा इथिक्स है और शिष्टाचार है एंड विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां वो संस्कृत में शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो कल्चर है, कल्चर बहुत ही व्यापक टर्म है, यानी वेरी ब्रॉड टर्म है। इसमें अपने आप में या हमारे जीवन में सभी प्रकार के यानी सभी क्षेत्र में हमारे व्यवहार, हमारे मोरल्स यानी हमारे रीति रिवाज, हमारे क्लास, हमारे कस्टम्स और हमारे जो परंपराएं हैं, हमारा शिष्टाचार, ये सब अन्य विभिन्न प्रकार की जो समाज में जो गतिविधियां होती हैं, अन्य विभिन्न प्रकार की जो समाज में गतिविधियां होती हैं, ये सब कल्चर में शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो संस्कृत है, संस्कृत के बिना मनुष्य, जो संस्कृत है आपका, संस्कृत के बिना मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकता। मींस आपको बता दें, कोई मनुष्य है अगर वो समाज में किसी है जो कल्चर विभिन्न प्रकार के आपके कल्चर जैसे रिवाज क्या, उनकी परंपराएं क्या, उनकी ट्रेडिशनल क्या है, ये सब जब तक वो फॉलो नहीं करता तो मनुष्य क्या है, जीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद ये आपका कंसेप्ट हो गया। आपको और साधारण भाषा में बता दें कि आपके समाज में या आपके अपने व्यवहार में, आपके रीति रिवाज में, आपके मोरल्स में, आपके कस्टम्स में, आपके ट्रेडिशनल में यानी आपके परंपराएं जो है, आपके जो शिष्टाचार है, आपका जो इथिक्स है यानी आपका जो नैतिकता है, आपका जो आदर्श है, ये सब गतिविधियां जो आपके समाज में आपके बीच में होती है, वही आपका कल्चर कहलाता है। और कल्चर जो होता है वो कभी भी कल्चर के बिना कोई मनुष्य मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकता है। कोई अगर मनुष्य है, अगर इस सब कल्चर को, इस सब ट्रेडिशनल या मोरस या एथिक्स या नैतिकता को नहीं मानता है या इसको नहीं फॉलो करता है तो वो मनुष्य ही नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोग ये सारे परंपरा को एक मनुष्य के रूप में हम लोग अपनाते हैं, हम लोग उसे फॉलो करते हैं तो हम लोग मनुष्य के रूप में माने जाते हैं। वहीं आप एनिमल्स को देख लो, वो ये सारे नैतिकता या जो आपका एथिक्स है, जो आपका मोरल्स है, ये सबको वो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वो लोग मनुष्य नहीं है। तो लास्ट में जो वर्ड जोड़ा गया है कि जो आपका संस्कृत है, संस्कृत के बिना मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकता, इसका मेन मोटिव यही है। तो आई होप दोस्तों आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इसी को आगे चलते हुए हम डिफिनेशन कुछ साइंटिस्टों के बारे में जानेंगे कि साइंटिस्टों का विभिन्न प्रकार का मत रहा, कि उन साइंटिस्ट ने विभिन्न प्रकार के अपने मत को कल्चर के बारे में बताए हैं। सो दोस्तों हम देख लेते हैं डिफिनेशन, साथ साथ में डिफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर 1924, टेलर के अनुसार 1924 में इन्होंने क्या कहा, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट एक्वायर्ड बाय मैन एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो कल्चर है, जो आपका कल्चर वह एक जटिल संपूर्णता है, जो आपका कल्चर है वह जटिल संपूर्णता है। और इन्होंने फिर कहा कि जिसमें नॉलेज यानी जिसमें ज्ञान, उनके विश्वास बिलीव, उनकी कला यानी आर्ट्स, उनके मोरल्स यानी रीति रिवाज, उनके नियम, उनके कस्टम्स एंड अदर अन्य जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं और उनके जो उनके बीच में जो हैबिट
उनके बीच में जो उनकी क्षमताएं और आदत है वो सब समावेश है। इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू टेलर 1924 में इन्होंने कहा कि कल्चर, इन्होंने कहा कि जो कल्चर है एक आपका जटिल संपूर्णता है, यानी जो कल्चर है, कल्चर होल विच इंक्लूड, यहां से कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल, जो आपका संस्कृत है वो जटिल संपूर्णता है जिसमें नॉलेज बिलीव, देख रहे आप, नॉलेज बिलीव आर्ट मोरल्स लॉ कस्टम्स एंड जो उसकी अन्य क्षमताएं हैं, उनके जो समाज के सदस्यों के बीच में जो अन्य क्षमताएं हैं या उनकी जो आदत है वो सब इसमें समावेश है। मीन्स आपको बता दें कि साधारण भाषा में आपको बता दें कि जो आपका कल्चर है, जो टेलर अकॉर्डिंग टू टेलर 1924 में कहे, इन्होंने कहा कि जो कल्चर है वो संपूर्ण, यानी जो आपका संस्कृत है, यानी जो कल्चर है वो जटिल संपूर्णता है, यानी आपका कॉम्प्लेक्स होल है उस जिसमें नॉलेज आर्ट मोरल कस्टम साथ साथ में मोरल्स कस्टम एंड लॉ के साथ साथ जो समाज में जो मेंबर जो सदस्य हैं उनके बीच में उनकी जो क्षमताएं हैं और उनके जो क्षमताओं के साथ साथ उनकी जो आदतें हैं वो जो अर्जित करते हैं ये सब उनमें समावेश है। मीन्स आपको बता दें कि समाज में जो कल्चर है, कल्चर आपका एक संपूर्ण यानी आपका जटिल संपूर्णता है जिसमें नॉलेज आर्ट मोरल लॉ यानी आपका ज्ञान, आपका कला, आपकी रीति रिवाज, आपका परंपरा, आपका ट्रेडिशनल, आपकी आदर्श, ये सब जो है ये समाज में सदस्यों के बीच ये अर्जित करते हैं ये इनकी क्षमता और इनके जो आदर्श है, इनकी जो आदत है उसमें ये समावेश है, उस इन्होंने अकॉर्डिंग टू टेलर ने कहा। आपको आम भाषा में अगर आपको डिफिनीशन या परिभाषा लिखना है, आप अपने भाषा में अगर आप लिखना चाहते हैं तो एकदम सरल भाषा में आपको बता दें कि कल्चर एक जटिल संपूर्णता है, यानी जो आपका कल्चर है उसमें कॉम्प्लेक्स होल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद जिसमें नॉलेज यानी ज्ञान, आर्ट मोरल रीति रिवाज, नैतिकता, इथिक्स, ये सब जो समाज में जो सदस्य हैं ये जो अर्जित करते हैं ये सब, यानी आप वो अपना नॉलेज आर्ट अपने मोरल्स अपने रीति रिवाज अपने इथिक्स नॉलेज को जो अर्जित करते हैं और उनकी जो क्षमताएं हैं और उनकी जो आदतें हैं वो सब इसमें समावेश होते हैं, उसे ही हम कल्चर कहते हैं, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट आपको बता दें कि नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। सो दोस्तों सबसे पहले मटेरियल कल्चर के बारे में देख लेते हैं। मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्टिव सच एज हाउस टूल्स इंप्लीमेंट्स फूड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर मटेरियल आइटम। दोस्तों आपको बता दें जो मटेरियल कल्चर है यानी जो भौतिक संस्कृत है वो मानव निर्मित वस्तु है, यानी जो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है, जो आपका मटेरियल कल्चर है वो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। जैसे आपका हाउस हुआ, यहां देख सकते हैं मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ मैन के द्वारा इसे निर्मित किया जाता है, सच एज हाउस टूल्स औजार फूड एंड क्लॉथिंग के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है एंड जो अन्य मटेरियल यानी जो अन्य मटेरियल आइटम्स हैं वो सब आपका मटेरियल वो आप सबका मटेरियल कल्चर कहलाता है। सो दोस्तों आपको बता दें कि मटेरियल कल्चर वह होता है जो समाज में किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे फूड हो गया वो अपना खाद्य पदार्थ खुद निर्मित करते हैं, उनकी क्लॉथिंग हो गई, क्लॉथिंग के साथ साथ उनके टूल्स हो गए, उनके इम्प्लीमेंट यानी उनके औजार हो गए और जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब जो मानव द्वारा निर्मित होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल कल्चर कहते हैं, उसे हम भौतिक संस्कृत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसी में है, देख सकते हैं आप नॉन मटेरियल कल्चर।
नॉन मटेरियल कल्चर में के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों नॉन मटेरियल के बारे में आपको बता दें कि नॉन मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ द वर्ड द पीपल यूज द लैंग्वेज दे स्पीक द बिलीफ वैल्यू दे चैरिश हैबिट्स रिचुअल सेरेमनी पीपल फॉलो और ऑब्जर्व। दोस्तों आपको बता दें कि नॉन मटेरियल कल्चर में शब्द शामिल होते हैं, यानी जो नॉन मटेरियल होता है इसमें शब्द शामिल होते हैं जो लोग उपयोग करते हैं, जो उनकी जो भाषा बोलते हैं, इसमें उनके विश्वास, यहां पर आप देख सकते हैं उनके बिलीफ, उनके विश्वास, उनके वैल्यू एंड उनके हैबिट के साथ साथ उनका जो रिचुअल सेरेमनी है यानी उनका जो रीति रिवाज समारोह है उसे वो पालन करते हैं या निरीक्षण करते हैं, यानी निरीक्षण करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो नॉन मटेरियल होता है, नॉन मटेरियल कल्चर, शब्द जो है भाषा से शामिल होता है या भाषा का एक रूप होता है जिनमें जिसका लोग उपयोग करते हैं, यानी जिनका लोग उपयोग करते हैं और जो लोग भाषा बोलते हैं उनके विश्वास, उनका मूल्य, उनका आदर, उनकी आदत एंड उनकी जो रीति रिवाज है उसे वो पालन करते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। आपको एक आम भाषा में बता दें कि जो आपका नॉन मटेरियल है, नॉन मटेरियल एक ऐसा शब्द है यानी ये भाषा से रिलेटेड है जो वो भाषा बोलते हैं, साथ साथ में जो भाषा वो बोलते हैं और वो जो भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे उनका विश्वास हो गया, उनका मूल्य हो गया यानी उनकी वैल्यू हो गई और उनके जो रीति रिवाज हैं वो हो गए, उनके समारोह हो गए, इन सब का वो जो पालन करते हैं साथ साथ में उसका निरीक्षण करते हैं वो आपका नॉन मटेरियल कहलाएगा। मटेरियल में क्या, मटेरियल कल्चर में क्या था, मटेरियल कल्चर में ये था कि मनुष्य के द्वारा जो निर्मित किया जा रहा है, जो उनके फूड्स हैं, टूल्स हैं, उनके औजार हैं, ये सब आपका मटेरियल्स कल्चर हो गया। नॉन मटेरियल कल्चर्स वो भाषा से रिलेटेड है कि वो जो भाषा बोल रहे हैं, वो जो भाषा उपयोग कर रहे हैं उससे उनका जो विश्वास है, उनका जो समारोह है, उनका जो रीति रिवाज है, उनका जो वैल्यू है, उन सब का पालन करते हैं, वो आपका क्या हो गया, नॉन मटेरियल। इसमें कॉमन डिफरेंस बस यही इतना है, जो मटेरियल कल्चर है उसमें लोगों के द्वारा निर्मित किया जाता है कोई साधन, और जो आपका नॉन मटेरियल है उसमें किसी लोगों के द्वारा बोला जाता है यानी भाषा से रिलेटेड है कि वो क्या बोल रहे हैं और उसमें उनका आदर क्या है, उनका विश्वास क्या है, उनका रीति रिवाज क्या है, उनका समारोह क्या है, ये सब, इन सब का जो पालन किया जाता है वही आपका नॉन मटेरियल कल्चर कहलाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस क्लास से अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। सो दोस्तों जय हिंद जय भारत।